पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में थे, वहाँ पे भी कोशिश की, 70 साल के सबसे बड़े रिफॉर्म्स प्रपोज किए थे, यहाँ पे भी आए हैं तो बिल्कुल मिनिस्ट्री जो थी वो नॉन एग्जिस्टेंट थी, उसको उठाया है पूरा। आपको कहानी सुनानी आनी चाहिए, अगर आपको कहानी सुनानी नहीं आती तो लोग आपको नहीं सुनते। नाउ दे आर पाकिस्तान बिगेस्ट YouTube चैनल ऑन YouTube एंड दे आर मेकिंग ग्रेट मनी। हम लोग सियासत कर रहे हैं 100 साल से, हम नोबडी तो नहीं थे कभी भी, तो जो नोबडी नहीं होगा वो कहीं ना कहीं तो होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कहीं जिक्र ही नहीं था, हमने इसको ब्रांड कर लिया है। इस दफ्तर में बैठ के कोई अगर वीडियो बना लेगा तो मतलब क्या हम करें। मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के दिन का आगाज कैसे? ऑफिस आते हैं, ऑफिस में एक पहले से स्केड्यूल जो है वो एक रात पहले से आ चुका होता है और उसके मुताबिक चलते हैं। तकरीबन आप समझिए कि 10:30 से लेके तो अराउंड 7 PM तक जो है ये चलता है। सर उठने के बाद पहली क्या चीज करते हैं आप? मोबाइल ऑन करते हैं। नाश्ते में क्या लेना पसंद करते हैं? नाश्ते में आजकल ज्यादा ग्रेनोला और योगर्ट। ओके सर, ख्वाहिश तो सीएम ऑफ पंजाब की थी, वजारत मिल गई, कैसा महसूस किया? गुस्सा तो आया होगा? नहीं, एक्चुअली फिर फैसला तो देखें प्राइम मिनिस्टर साहब ने ही करना होता, और जो भी पॉलिटिक्स करते हैं लोग वो ज़ाहिर है कि वो मैक्सिमम ही चाहते हैं, तो बस ठीक है। इसमें भी कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही फ्यूचर है अगर मुल्क ने आगे जाना है तो। पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में थे, वहाँ पर भी कोशिश की, 70 साल के सबसे बड़े रिफॉर्म्स प्रपोज किए थे, यहाँ पर भी आए हैं तो बिल्कुल मिनिस्ट्री जो थी वो नॉन एग्जिस्टेंट थी, उसको उठाया है पूरा। सर आप एक एंकर पर्सन भी रह चुके हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और उसमें फ़ायदा ये होता है कि वो उसमें वज़ीर के मुकाबले में तनख्वाह बहुत ज़्यादा है, यहाँ तनख्वाह बड़ी कम है। एक अच्छे एंकर के लिए 3 बेस्ट क्वालिटीज़ बता दें। आपको सबसे पहले तो अपनी बात को बहुत छोटा करके आना चाहिए। नंबर 2 ये है कि आपको कहानी सुनानी आनी चाहिए, अगर आपको कहानी सुनानी नहीं आती तो लोग आपको नहीं सुनते। और तीसरा ये है कि आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए हो क्या रहा। इस वक्त जो मीडिया के हालात हैं उनका जिम्मेदार कौन है, हुकूमत, मीडिया खुद या फिर कोई और? नहीं, ये तो देखें ना, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन है मीडिया में, जो कुछ हो रहा है इसका बहुत बड़ा ताल्लुक है इमरजेंस ऑफ टेक्नोलॉजी से। सो जो भी मीडियम जो है, अब आज मसलन न्यूज़ लाइन बंद हो गया है, बहुत बड़ा रिसाला था, लेकिन प्रिंट मीडिया जो है वो कैसे सस्टेन करेगा पाकिस्तान में भी और एल्सवेयर भी। सऊदी गज़ट जैसा जो अरब दुनिया का सबसे बड़ा अखबार था वो बंद हो गया है, सिर्फ इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। सो टेक्नोलॉजी विल टेक ओवर। नाउ दे आर पाकिस्तान बिगेस्ट YouTube चैनल ऑन YouTube एंड दे आर मेकिंग ग्रेट मनी। ये तो इनोवेशन की बात है, थिंकिंग की बात है कि आप कितना आइडियाज, कितनी आप डाइवर्सिटी ला सकते हैं। सर पहले APML, फिर PPP और अब PTI, नेक्स्ट क्या प्लान है? PTI में ही है, और देखिए हम लोग सियासत कर रहे हैं 100 साल से, हम नोबडी तो नहीं थे कभी भी, तो जो नोबडी नहीं होगा वो कहीं ना कहीं तो होगा। तो जो पॉलिटिक्स है वो तो बहते दरिया की तरह, इसमें नया पानी आता है, नई सिचुएशंस होती हैं, नए फैसले होते हैं। तो जो भी, जैसे अब मेरा ख़ानदान तो 1926 से सियासत में, कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मेरे दादा ने काम किया, हम उस वक्त प्री पार्टीशन जो थे वो मेरे दादा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे जेहलम के। तो जब आप इतनी एक आपकी एक डेप्थ है हिस्ट्री की, आपकी एक पॉलिटिक्स में आपका कितना बड़ा आपका रोल रहा है, तो जाहिर है आप मुख्तलिफ जगहों पे तो होंगे। हालात के साथ मिनिस्ट्रीज रिशफलिंग हुई, उसमें आपकी मिनिस्ट्री भी आई रिशफल, क्या वजह थी? क्या प्राइम मिनिस्ट्री मुतमईन नहीं थी आपकी मिनिस्ट्री से? जाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब को मुतमईन नहीं होंगे तभी उन्होंने चेंज किया। अभी मुतमईन नहीं, अभी तक जो मैं हूँ तो हूँ, वरना जाहिर है प्राइम मिनिस्टर पार कर देते। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अब तक की बेस्ट अचीवमेंट? हमने तो इसको पूरी एक हैयत दे दी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कहीं जिक्र ही नहीं था, हमने इसको ब्रांड कर लिया है। अब इसको हम जो जिस तरीके से हम इसको एक आगे एक ताकत बनाना चाह रहे हैं, एक मेन फोकस मिनिस्ट्री बन गई है, इसमें पहली बार फंडिंग जो है वो एक बहुत बड़ी इसमें फंडिंग आई है, तो इसको इंशाल्लाह हम लेके आगे बढ़ेंगे। सर अपकमिंग कोई अचीवमेंट्स जो करने वाले? देखो जो सबसे बड़ी
पाकिस्तान की फेलियर है 40 साल में वो ये हुआ कि हम अपना इंजन नहीं बना सके, कंबस्शन इंजन पाकिस्तान नहीं बना सका, जिसकी वजह से हम इंजीनियरिंग में पीछे रह गए। अब जो फ्यूचर है उसमें जो दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी हुई, हम सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में लेके आए हैं, हम बैटरी जो नई मॉडर्न बैटरी है लिथियम लाइट बैटरी जिसको कहते हैं, जिसके ऊपर आप अगर दुनिया को उठा के देखेंगे तो पूरी दुनिया की गाड़ियाँ, इंडस्ट्री, बिजली, ये सब कुछ बैटरी के ऊपर जा रहा है। अब हम पाकिस्तान विल बी अमंग द वेरी फ्यू कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहा है लिथियम लाइट बैटरीज़ की। सो ये दो बहुत बड़ी कामयाबियाँ हैं जो अगले 5 से 7 सालों में पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एज देंगी बाकी दुनिया पर। अगर आप वज़ीर सेहत होते तो मियाँ साहब की बेहतरी के लिए क्या इकदाम उठाते? जो अभी भी उन्होंने किया है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने जो किए हैं वो बेस्ट इलाज उनको मिल रहा है, यही कुछ कर सकता है इंसान, तो यही कुछ कर सकता है। सर आपकी सेहत का क्या राज है? खुश रहें, खुश रखें, गुस्से में ना आए। सियासत में बेहतर कौन है, मरियम नवाज से बिलावल? अभी तो दोनों ने अपने आप को साबित करना है और अभी देखते हैं आगे चल के क्या होगा। खान साहब जो हैं वो आप पर बनने वाली मीम्स आपको फॉरवर्ड करते हैं, क्या आप भी खान साहब पर बनने वाली मीम मतलब फॉरवर्ड करते हैं? नहीं, अपने बॉस को नहीं फॉरवर्ड करते, नाराज हो जाए तो क्या करें क्या पता अगला किस मूड में बैठा है। कोई ऐसी जगह जहाँ एक बार गए हो और वहाँ बार बार जाने को दिल चाहता हो? लंदन एक ऐसा शहर है क्योंकि बहुत दोस्त हैं वहाँ पे और वहाँ के लैंग्वेज बैरियर नहीं है, हमारे इलाके वहाँ के जाने भले हैं, सो लंदन बार बार जाने को दिल रहता है, वहाँ पे जाते भी हैं और बाकी भी बहुत जगह हैं। वियना मुझे बहुत पसंद है, वियना में जाना जो है वो भी अच्छा लगता है। टिकटॉक स्टार हरीम शाह और संदर फटक के बारे में तो सुना ही होगा आपने? हाँ बिल्कुल, ये मैंने तो देखा है। अगर वो आपसे ख्वाहिश का इजहार करें कि जी हमने आपके साथ वीडियो बनानी है इसी तरह टिकटॉक, तो क्या आप मुझे फ्रेंकली उनके ऊपर क्रिटिसिज्म की कोई बात समझ नहीं आई। देखिए मेरी मिनिस्ट्री है, मेरा तो ओपन दफ्तर है, कोई भी बंदा आ सकता है और इस दफ्तर में बैठ के कोई अगर वीडियो बना लेगा तो मतलब क्या हम करें, हम दरवाजे बंद करके तो नहीं, हम तो पॉलिटिशियंस हैं। आप आई हैं, बाकी लोग आते हैं, अगर अपनी कोई वीडियो बना रहा है या कोई कर रहा है तो उसको आप कैसे रोकेंगे? सर मेन क्रिटिसिज्म का रीज़न ये था ना कि वो जिस चेयर पर बैठी वो ऑब्वियसली हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए जो है वो मुख्तस है, उस पे कोई वजीर के लिए भी जो है वो परमिशन नहीं है और उस चेयर पे एक टिकटॉक स्टार तो वो तो उसका बैठ जाना और तो वो तो देखो किसी की अकल का अंदाज़ा है ना, अब अकल नहीं है तो उसमें क्या किया जा सकता। अब उसको मतलब कोई अगर कोई ऐसा आ जाए, कोई बेवकूफ़ लोग भी तो आते हैं ना रोज। लेकिन सर उस रूम में जाने की परमिशन देना, मेरा नहीं ख्याल कोई मसला है रूम में क्या, मेरे ख्याल में तो हमारी तो सारी मिनिस्ट्रीज ओपन है। देखिए ये कोई भी मुझे लगता है कि अगर ये हम करेंगे ना कि ये मिनिस्ट्रीज बंद होनी चाहिए और लोगों का एक वाक्य की बेसिस के ऊपर जी वहाँ पे एंटर कैसे हो गए या क्या हो गया, भाई वो इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जहाँ पे लोग आए मिलना चाहिए, मुला जो खुला है आता है। अब ये तो अगले की अकल का है ना कि वो कितना मिनिस्ट्री ऑफिसेज जो हैं वो सारे ओपन हैं। ऑफ कोर्स आपने मेरे दफ्तर में देखा है, मैंने तो अपना पीएनबी जो है वो खत्म कर दिया, हमने तो कुर्सी भी नहीं रखी हुई, हर 24 घंटे मिलता है। दैट्स गुड। जो लोग आप पर मीम्स बनाते हैं उन चाहने वालों के लिए कोई पैगाम? बनाते रहे, अच्छा एंजॉय करते हैं। बिल्कुल, क्या फ़र्क पड़ता है जब आप देखो हर एक चीज़ की अपनी एक कह लीजिए प्राइस होती है या कुछ कर, जब आप फेमस होते हैं आपके बारे में लोग बात करते हैं तो बहुत सारे लोग पॉजिटिव बात करते हैं, बहुत सारे लोग नफरत करते हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिव बात करते हैं। सर सर ओसाफ डिजिटल के बारे में आपकी कीमती है? साफ जो है वो मेरे इलाके में, मैं इसलिए जानता हूँ कि मेरे इलाके का तो सबसे बड़ा अखबार है, सो पिंड दादन खान है, जेहलम है, ओसाफ हमारा सबसे बड़ा जो अखबार है वो है। और अब मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप लोगों ने इसको डिजिटल के ऊपर भी जो है वो आप इसको लेके आ रहे हैं और यही मेहताब साहब जो हैं उनका यही फ़ायदा है कि वो विजनरी आदमी है, वो हमेशा आगे चल के देखते हैं। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।